नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको दिखाते हैं सूबे की सियासत में क्या चल रहा है। आज बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे की। एक तरफ यूपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा भी उत्तर प्रदेश की तैयारी पर रखने के साथ साथ आगे की रणनीति को और रफ्तार देगा। वैसे तो अपने इस दौरे में अमित शाह ने लखनऊ में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट और विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया और साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें प्रदेश का अब तक का सबसे कामयाब मुख्यमंत्री बताया। तो वही विपक्ष को भी नहीं बख्शा। शाह ने साफ कहा कि बीजेपी की सरकारें जातियों और परिवारों के आधार पर नहीं चलती और ना ही नजदीक के व्यक्तियों के लिए चलाई जाती हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज अमित शाह जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, कितना अहम माना जाए उनका यह दौरा, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है? देखिए, अमित शाह कहीं भी जाएंगे वो दौरा अहम ही है और मैं तो आश्चर्यचकित इस बात पे हो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन को रफ्तार भी दे दिया है और बाकी सब अभी तक ठन ठन गोपाल, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि इनके कैंपेन का क्या होगा। अब देखिए क्या हुआ है, मिर्ज़ापुर में वो भाषण दे रहे थे, बड़ी रैली हुई, सक्सेसफुल रैली, और अमित शाह कह रहे हैं कि जब भी मैं यूपी आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ। ये तो चुनावी प्रचार है जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी जो कैंपेन का जो पूरा सिस्टम है उसमें ये लोग ऑलरेडी घुस गए हैं। मार्क करने वाली बात क्या है, जो इससे जो समझ में आ रही है बात, अभी 15 दिन पहले तो मोदी जी बनारस में थे, अब अमित शाह जी यहाँ, 15 दिन के बाद अमित शाह जी आ गए, इसके बाद फिर पीएम आने वाले हैं, बीच में योगी जी कुछ कुछ करेंगे, फिर प्रधानमंत्री का फिर से दौरा होने वाला है, फिर अमित शाह आएंगे, बीच में योगी जी कुछ कुछ करेंगे, ये विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये तो कहते हैं इसको कारपेट बॉम्बिंग, कि आप एक तरफ से सारा कुछ जो है, आप इसका फायदा क्या होता है इस तरह के कैंपेन का? अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, ये जहां जाएंगे कुछ ना कुछ इलाके में कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे जी। कहीं फॉरेंसिक लैब दे रहे हैं, कहीं पे कॉरिडोर दे रहे हैं, कहीं पे हाईवे दिया जाएगा, कहीं पे स्टेडियम दिया जाएगा, कहीं पे हॉस्पिटल दिया जाएगा, कहीं पे कुछ दिया जाएगा, और ये सब केंद्र के बड़े मंत्री हैं जी। सरकार भी इनकी है यूपी के अंदर और सरकार जो है केंद्र में भी। तो आप ये देखिए, यूपी के कोने कोने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, इन तीनों लोगों का दौरा जो है पूरे यूपी के कोने कोने में फैल जाएगा और तब तक विपक्ष जो है वो आरोप ही लगाता रह जाएगा, ये करता रह जाएगा कि ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा गया, तो राम मंदिर के पैसे कहाँ हैं, ये सारी चीजें। एक तरफ निगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है, एक तरफ इसको कहते हैं आलसपन है और दूसरी तरफ सुपर एक्टिव डायनेमिक पॉलिटिकल पार्टी है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले तक इनका कैंपेन का सारा काम पूरा हो जाएगा। अब क्या बात नहीं आ रही है, नई बात यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हर गांव में इनका दफ्तर होगा, हर वार्ड में इनका दफ्तर होगा और वो दफ्तर से ही कंट्रोल किया जाएगा। वो पन्ना प्रमुख हो जो इनका अपना जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सरकार इनकी, सब कुछ इनका, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब इसका चुनाव पे इसका क्या रेमिफिकेशन है उसको समझना जरूरी है। इस तरह के दौरों से क्या होता है, देखिए हर चैनल पे अमित शाह नजर आ रहे हैं, सब जगह पे दिखाई दे, कल अखबार छपेगी, कल उसमें पूरे में एकदम फ्रंट पे, फ्रंट पेज सारा। आप क्या कर रहे हो कि प्रचार प्रसार का जितना भी माध्यम है अभी से आपने कैप्चर कर लिया, आप विपक्ष को कोई स्पेस नहीं दे रहे। और जब स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा,
होगा वही कि जो पार्टी नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के पीछे पीछे चलती रही। ममता बनर्जी बड़ा ही स्मार्टली उन्होंने नैरेटिव तय कर दिया था, खेला होबे का तो आउटसाइडर का तो इनसाइडर का। बंगाल के आउटसाइडर्स हैं ये लोग तो आएंगे चले जाएंगे बात। अब आप देखिए विकास का मुद्दा गायब हो गया। इन लोगों ने पहले शुरुआत की थी बंगाल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन चुनाव आते आते ये टोलाबाजी, ये सिंडिकेट, ये भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे जो है वो गौन हो गए। वो चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं बन सका। इनसाइड आउटसाइड, बंगला नॉन बंगला, इसी चीज में सब कुछ उलझ के रह गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वो नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी में एक खूबसूरती है, हार से तुरंत ये सबक लेती है और ये अच्छी बात भी है, लेना भी चाहिए तभी हर, आप उससे बेटर कर पाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये तो आदमी एक मैच खेलता है, हार जाता है तो अगली बार वो उन गलतियों के ऊपर विचार विमर्श करता है, मीटिंग होती है, टीम वाले कहते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, फील्डिंग सुधारना है तो ओपनिंग में इस तरह से रुकना है, ऐसे करना है। ये तो काम हर टीम करती है, बाकी लोग नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी करती है। अब विपक्ष का नैरेटिव क्या है, तो बीएसपी का नैरेटिव तो बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिछले 2-3 दिनों से हो गया है। ये अब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है। ये ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा गया है, ये इनका नैरेटिव है। चुनाव इस पे लड़ा जाएगा, चुनाव इस पे लड़ा जाएगा। आज क्या कह दिया कि हम जातियों की पार्टी नहीं है। अमित शाह ने अपने भाषण में क्या कहा, हम जातियों की पार्टी नहीं है, हम किसी परिवार की पार्टी नहीं है, हम सबको भला चाहते हैं। तो आपका नैरेटिव जो है शुरू में ही मिसफायर हो गया। अखिलेश यादव का नैरेटिव उन्होंने शुरुआत की लेकिन अब लगा कि भाई ये तो उल्टा जो है असर कर जाएगा। अखिलेश यादव सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने अयोध्या में जमीन घोटाला हो रहा है, वो तो मीडिया में अरविंद केजरीवाल ने पैसे खिला रखे हैं, तो संजय सिंह बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लेकिन वही हीरो बन गया कि भाई ये मुद्दा यही उठा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है कि विपक्ष के पास योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ नहीं है, कोई मामला, कोई भी मसला कुछ है ही नहीं, तो जाएंगे क्या जनता के बीच लेके, कैसे घेरेंगे सब। तो यही इसलिए ये जो है दिक्कत हो रहा है। और बहुत ही स्मार्टली भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा जो कैंपेन है उन्होंने डिजाइन कर लिया है कि महीने में 2 विजिट, एक अमित शाह जी का और दूसरा प्रधानमंत्री का, और योगी जी वो घूम घूम कर रोज कुछ ना कुछ योजनाओं का वो कर ही रहे हैं। और उनका काम एक ही है, विकास की बातें करना और हिंदुत्व का डोज देना। देखिए बैठे बैठे बीच में आ जाता है धर्मांतरण, आज देखिए कैसे चल रहा है टेलीविजन पे, 3 तलाक का मसला आ गया अचानक से, सारे लोग पूछ रहे हैं भाई अचानक से क्या हो गया, तो बोल रही पिछले साल जो है 3 तलाक इसी तारीख को हुआ था, तो 3 तलाक को जो है अब क्या होता है उससे, ये दिमाग के ऊपर असर करता है बैकग्राउंड में, कि लोगों को लगता है कि अरे हाँ ये तो है, याद दिला रहे ताकि भूले ना। बिल्कुल, धर्मांतरण का मसला चालू हो जाएगा, फिर लव जिहाद का भी मसला दो बीच में आ जाता है खबर, तो ये बार बार मैंने हिंदुत्व का फुल डोज और विकास की बातें, विकास की योजनाओं की घोषणाएं, शिलान्यास और वो करेंगे। ये हर पार्टी आप देखिए करने के लिए तो केंद्र सरकार का पूरा पिटारा है, वो कुछ भी आकर के कह सकते हैं, कुछ भी वो घोषणाएं दे सकते हैं। तो ये आप न विकास के ऊपर आप रोक सकते हो, ना आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हो। और सबसे तो हैरान वाली बात तो ये देखिए कि शिवपाल यादव ने जी मुख्यमंत्री की तारीफ की, कल बोलते वो बात चल रही है कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़ेंगे जी, और उन्होंने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अब हालांकि वो तारीफ करना नहीं चाह रहे थे, मैं
मैं उसको समझ सकता हूँ कि वो बोलते बोलते मुंह से निकल गया, होता ये कि दिमाग में जो चीज बैठ गया है, दिल में जो चीज है वो आ जाती है, वो कभी कभी आ जाती है, वो कभी कभी मिसफायर हो जाता है। अब अखिलेश यादव तो अब अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पत्रकार तो यही पूछेंगे कि भाई आपके चाचा जान जो है उन्होंने तो तारीफ कर दी, कोई भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, और इन लोगों के खिलाफ यही भ्रष्टाचार, यही परिवारवाद, यही जातिवाद, ये गुंडाइज्म, लॉ एंड ऑर्डर, अखिलेश यादव के ऊपर यही सब आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, और उसके जवाब में समाजवादी पार्टी क्या करती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर मैं कहूँगा, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, बहुत विलंब हो गया, बहुत ज्यादा हो गया डॉक्टर। भारतीय जनता पार्टी वो जो क्रॉस कंट्री रनर्स जो होते हैं सब कुछ कर चुकी है ना, वो आगे निकल गई है, और ऐसा ना हो जाए कि मैच शुरू होने से पहले ही जो है वॉक ओवर हो जाए जी। तो हमें भी मजा नहीं आएगा, देश को भी मजा नहीं आएगा, यूपी की जनता को भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है मजा तब आता है जब कांटे की टक्कर हो, वाद विवाद हो, और ऐसा लगे भाई कोई भी जीत सकता हो। स्थिति वैसी बनती है, स्थिति यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही है, कैसे जगाया जाएगा जो सोई हुई है सारी पार्टियां, कहीं नहीं अभी भी अकल नहीं आ रही है कि चुनाव बहुत नजदीक है अब तो कुछ करें। देखिए दिक्कत क्या है ना, समाज बदल गया, यूथ जो नए जनरेशन के लोग हैं वो नहीं जानते ये सब, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो नहीं जानते क्या बाबरी मस्जिद क्या ये क्या वो, उन्हें उन्हें कुछ लेना देना नहीं, उनको उनको कुछ ताजापन चाहिए, उनको कुछ फ्रेशनेस चाहिए, उनको उनका डिमांड बिल्कुल ही अलग है, उनका दिमाग बिल्कुल ही अलग चलता है। नए जनरेशन के लोग जाति के नाम पर वोट नहीं करते जनरली, उनको आदमी चाहिए, उनको एक उसको एक ब्रांड चाहिए होता है कि लोगों की तरफ आकर्षित हो जाए। उस दृष्टि से भी अगर आप देखें तो मायावती का कैंपेन और कांग्रेस पार्टी का कैंपेन वो तो जीरो बटा के नाम पे कुछ कही नहीं, जीरो बटा सन्नाटा है भाई। आप नया चेहरा है यूपी के लिए, प्रियंका वाड्रा वैसे तो नया चेहरा नहीं है, वो तो 2001 से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन अगर आप यूपी में जा रही हैं, अगर आपको प्रशांत किशोर ने कहा भाई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देने से कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी, क्या कर रहे हैं आप? तो आप चुनाव जीतने के लिए अब तक कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम किया है, ये सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा ये जूम के ऊपर मौलवी मौलानाओं से गप्पे लड़ा रही हैं। वोट मिलेगा नहीं, वोट तो उसे मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराता हुआ नजर आएगा, उसके लिए तो तैयारी है ही नहीं। तो बात करेंगी सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, और मुसलमानों का वोट चला जाएगा समाजवादी पार्टी को। तो ये तो कैसा इन लोगों की मैंने ये अजीबो गरीब स्थिति लग रही है। मायावती का भी वही हाल है, कोई नयापन नहीं है, वही सतीश चंद्र मिश्रा रोज सवेरे सवेरे उठ करके कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे देते हैं। अरे भाई गैंगस्टर जो है उसको मारा जा रहा है, आप ये कह रहे हो कि माफिया और गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर चुन चुन के कार्रवाई की जा रही है। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये बताइए ये अतीक अहमद है कि अतीक द्विवेदी है या अतीक मिश्रा है, बड़े अजीब कहानी है ये। एक दो लोग पकड़े गए, 1500 से ऊपर ज्यादा इनकाउंटर हो गया है, तो जो गुंडे बदमाश होंगे उसको उसका इनकाउंटर किया गया। अब इनकाउंटर के ऊपर आपको मुद्दा बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन योगी जी को फिर फेस करना पड़ेगा। योगी जी तो टेलीविजन चैनल पे खुल के खुला खुला कहते हैं कि भाई ये जो करेगा, जो अपराधी होंगे उनका इनकाउंटर होगा, उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब ऐसे मुख्यमंत्री से निपटिए फिर, लेकिन ये इस तरह का उन्माद फैला करके मतलब समाज को जाति में धर्म में जहर फैला करके अगर आप इस तरह के बयान देंगे उससे पार्टी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में, धन्यवाद। तो पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी,
माफिया अवैध तरह से जमीनों पर कब्जा करते थे। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यूपी को विकसित बनाने का वादा किया था और आज योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया। ये तमाम बातें कहकर अमित शाह ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ तो की ही, साथ ही विपक्ष पर यह कहते हुए भी वार किया कि यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं उनके कानों में भारत माता की जय की आवाज पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा एक प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।